स्वागत है आप सभी का फैक्टेक जोन में। और दुनिया के वो रहस्यमय लोग जिनके आज तक पहचान नहीं पाए, तो दूसरी कड़ी में पार्ट टू में आप सबका स्वागत है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप देखेंगे नंबर 6 में, यह यूक्रेन की विनित्सा में मारे गए आखिरी यहूदी की पहचान अब तक अज्ञात है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों की मौत की मशीनों ने लाखों लोगों का काल का क्रास बना दिया, और उसी दौरान ये फोटो ली गई थी जो कि विनित्सा का आखिरी जीवित यहूदी था और मरने वाला था। इस यहूदी की कभी पहचान ही नहीं पाई कि यह कौन था और कहां से आया था। ये अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। यह नंबर 7 में आप देख रहे हैं डीवी कूपर। यह व्यक्ति अमेरिकी वायुयान सेवा के इतिहास का पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। इसने अमेरिकी जहाज को हवा में ही हाईजैक कर लिया और 2,00,000 अमेरिकी डॉलर के साथ जहाज से कहीं उतरने से पहले ही पैराशूट के साथ जहाज से कूद गया। लाख कोशिश के बावजूद अमेरिकी एजेंसियों उसे पकड़ नहीं पाए, और काफ़ी खोजबीन के बाद 4 सालों पर कुछ कैश कोलंबिया नदी में मिला, पर बाकी का कैश और पैराशूट समेत कभी कूपर को पुलिस खोज ही नहीं पाई। नंबर 8 पे आप देख रहे हैं विक्ट्री डे पर किस करता अनजान कपल। जब न्यूयॉर्क द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रहा था, तब ये तस्वीर अल्फ्रेड एसेंटेंट द्वारा खींची गई थी, और इस तस्वीर को खुशियों का आइकन माना गया और इस कपल की तलाश की गई, पर कभी ये कपल सामने आया ही नहीं। जिन लोगों ने दावे किए कि वो गलत पाए गए हैं, सही आइकन की तलाश कभी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि कभी 1-2 साल पहले कहा गया था कि चित्र में नज़र आ रही नर्स और व्यक्ति दोनों की पहचान कर ली गई, ये पुरुष एक जहाजी था और तो महिला एक नर्स, पर अभी तक ये भी एक रहस्य बने हैं कि दरअसल ये थे कौन और आए कहाँ से थे। नंबर 9 में आप देखेंगे द बबुश्का लेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के समय एक महिला वहां पर दिखी थी जो कई लोगों के कैमरे में भी कैद हुई, पर माना जाता रहा कि कैनेडी की हत्या उसके हाथों में पकड़े गए कैमरे रूपी पिस्तल से हुई, पर उस समय की महिला कभी भी उसकी पहचान ही नहीं पाई और ना ही उसके कैमरे या पिस्तल की कुछ जानकारियाँ मिली। बाद में एक महिला ने दावा किया कि वह उस समय वहीं पर थी, पर वो साबित नहीं कर पाई। इसीलिए आज तक ये गुत्थी उलझी हुई है, और जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसी एक व्यक्ति ने की या किसी ने करवाए, उसके साथ कोई और भी था, तो ये आज तक एक गुत्थी रहस्य बनी हुई है। महिला वहाँ तक पहुँची कैसे, वो थी कौन, इसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई, और ये इतिहास के सबसे एक उलझी रहस्यों में से एक बनकर रह गई है। अगली 10 नंबर तस्वीर आप देखेंगे तियानआनमेन चौक पर टैंक के सामने खड़ा व्यक्ति। ये दरअसल तस्वीर चीन की है जो जून 1989 को तियानआनमेन चौक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों को दमन करते समय इस तस्वीर को लिया गया था, जहां टैंक के सामने आने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई कि ये व्यक्ति कम से कम 2 बार सेना के टैंक के आगे आया और बाद में इस भीड़े द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया। इसने बीच में टैंक चला रहे सैनिक से बात भी कर रहा था, और इस पर चेहरे पे इसका कोई देख भी नहीं पाया कि चेहरा में ये आखिर व्यक्ति था कौन, और ये तस्वीर चीनी विरोध का प्रतीक बन गई उस समय, और रहस्यमय व्यक्ति की कभी पहचान नहीं हो पाई। और आप सब्सक्राइब कीजिए फैक्टेक जोन, और बने रहिए रहस्य रोचक और विज्ञान से जुड़ी बातों के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फैक्टेक जोन।